हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर सीजन 3 की स्टोरी के बारे में, और यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे, जैसे गुड्डू, गोलू, शरद, शबनम, इन सब की बात करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ। और दोस्तों, अगर आपको याद हो तो विजय वर्मा ने डबल रोल प्ले किया था, उसमें से एक कैरेक्टर मर जाता है, छोटे बड़े दोनों में से एक मर जाता है। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा कैरेक्टर मरा है और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगी मिर्ज़ापुर सीजन 3 की स्टोरी में, और क्या नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं, इसकी भी बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि जो वीडियो देखते हैं उसमें से 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक 5 सेकंड भी नहीं लगते। और दोस्तों, बड़ी तकलीफ़ होती है, मुन्ना भैया का डायलॉग है ना, बड़ी तकलीफ़ होती है अगर आप योग्य हो तो भी आपकी कोई योग्यता ना पहचाने, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, 5 सेकंड भी लगता है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। अब दोस्तों, अपनी इस वीडियो चालू करते हैं गुड्डू और गोलू के कैरेक्टर के साथ। तो दोस्तों, आपको पता ही है मिर्ज़ापुर सीजन 2 के एंड में गुड्डू भैया जो है मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठ जाते हैं। और दोस्तों, आपको शायद पता याद भी होगा कि पहले सीजन के लास्ट में मुन्ना भैया और कालीन भैया जीते थे, और दूसरे सीजन के लास्ट में उनके विपरीत गुड्डू भैया जीत गए। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है सीजन 3 के लास्ट में ये दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, या फिर गुड्डू भैया जीत सकता है, कालीन भैया का तो चांस ही नहीं है। और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल इसकी एंडिंग ऐसी होगी कि पुलिस प्रशासन राज्य पर कब्जा कर लेगी, कब्जा मतलब रूल होगा उनका पुलिस प्रशासन का, क्योंकि यहाँ पर गुड्डू के पिताजी हैं वो गुड्डू का सरेंडर करवाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट द स्टोरी। और मुझे लगता है सीजन 3 में वो शबनम के प्यार के खातिर सरेंडर कर देंगे, क्योंकि दूसरे सीजन में भी आपने देखा कि उन्होंने गन रख दी थी सिर्फ शबनम के लिए, और इन लोगों ने दोस्तों लव स्टोरी बेकार में घुसा दी है। मेरे को नहीं पसंद आया गुड्डू की लव स्टोरी, उनको लव स्टोरी के चक्कर में घुसा के पूरा स्टोरी बिगाड़ दिया था सीजन 2 का। तो मुझे नहीं लगता सीजन 3 में लव स्टोरी के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शबनम के खातिर वो सरेंडर कर देंगे गुड्डू भैया लास्ट तक जाते जाते, और उनके पिता भी इसके ऊपर फोर्स करेंगे। उनके पिताजी ने आपने देखा ही था मौर्या को कैसे गोली मार दी थी जब उनका एनकाउंटर होने जा रहा था गुड्डू भैया का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजन 3 आगे जाते जाते यहाँ पर गुड्डू भैया सरेंडर कर देंगे और कालीन भैया मार दिए जाएंगे। कालीन और शरद को तो गुड्डू भैया निपटा देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और शबनम के खातिर सरेंडर कर देंगे। अब दोस्तों, गोलू की बात करते हैं। तो गोलू का आपने देखा दोस्तों लव अफेयर था विजय वर्मा के साथ, छोटे बड़े दोनों में से, उसकी मैं लास्ट में बात करूंगा। गोलू का भी बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है सीजन 3 में, लेकिन शायद उसे मार सकते हैं ना मारे, ऐसा भी हो सकता है, अब ये राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब शबनम की बात कर लेते हैं। शबनम जो कि लव स्टोरी में है गुड्डू भैया के, अब शायद उनका कैरेक्टर इसीलिए है, या फिर उन्हें मार सकते हैं राइटर्स गुड्डू को, और गुस्सा करने के लिए, गुस्सा भरने के लिए अंदर शबनम को शायद मरवा दें, ऐसा भी हो सकता है कालीन भैया द्वारा शबनम को मरवा दिया जाए, लेकिन ये भी अब डिपेंड करता है राइटर के ऊपर। तो शबनम अगर जिंदा रही तो लव स्टोरी चलती रहेगी गुड्डू भैया के साथ, और लाला इसमें जरूर बीच में आ सकता है। लाला शायद कालीन भैया के साथ जा सकता है इसमें गुड्डू भैया को मरवाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शबनम का जो निकाह है, शादी है, वो गुड्डू भैया के साथ हो जाए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं रोबिन और डिम्पी की। तो दोस्तों, ये रोबिन वाला कैरेक्टर नया ऐड हुआ था, और दोस्तों काफ़ी ऑडियंस को ये कैरेक्टर पसंद आया था, क्योंकि बाहुबली में जो सस्पेंस था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसा ही सस्पेंस इसमें बना दिया गया है कि रोबिन की मम्मी कौन है। इतने सारे कैरेक्टर उसने रोबिन ने अपनी मम्मी के बता दिए हैं, अब वो तो देखना पड़ेगा दोस्तों सीजन 3 में क्या होगा। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली गुड्डू भैया के जो पिताजी हैं रोबिन को यूज़ करते रहेंगे गुड्डू भैया की जानकारी निकलवाने के लिए, और लगातार पूरे सीजन में वो चलता रहेगा, गुड्डू भैया को सरेंडर करवाने के लिए वो पूरी जानकारी निकलवाते रहेंगे। अब दोस्तों, ये रोबिन और डिम्बी की लव स्टोरी तो चलती रहेगी, शायद शादी भी हो जाए, और दोस्तों अगर हैप्पी एंडिंग चाहते हैं तो शादी करवा देंगे राइटर्स, अगर बुरी एंडिंग चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते अच्छी एंडिंग हो, तो दोनों कैरेक्टर में से एक को मरवा दिया जाएगा, या फिर रोबिन मरेगी या फिर डिम्बी, अगर अच्छी एंडिंग नहीं चाहते तो। बाकी हैप्पी एंडिंग में तो दोनों की शादी करवा दी जाएगी। अब दोस्तों, 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, जिसमें है सीएम साहिबा, शरद और कालीन भैया। तो दोस्तों, तीसरे सीजन की शुरुआती स्टोरी में ये ऐसा देखने को मिलेगा हमें कि कालीन भैया जो है वो बच जाएंगे, उन्हें सीवियर कंडीशन में तो हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है उनकी, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा हमें दिख जाएगा सीजन 3 में। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि सीएम साहिबा जो है वो बदला लेने की कोशिश करेगी गुड्डू भैया से, क्योंकि आप देखिए सीएम साहिबा हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है, उनके हाथ में कितनी पावर है, और उनके पति को मरवा दिया जाता है गोली मार के, वो भी बीच चौराहे में। तो प्रशासन तो कार्यवाही करेगा ही, सीएम साहिबा फुल सपोर्ट देंगी पुलिस को अपना, क्योंकि आप देखिए कि किसी के पति को मरवा दिया गया है और वो उसके पास इतनी पावर है, तो किस तरह से बदला लेगा। और वो मेरे को लग रहा है कि कालीन भैया और शरद भैया का सपोर्ट देंगी, उनके ऊपर अपना हाथ रखेंगी, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों, आप देखना कालीन भैया और शरद भैया दोनों मिलके गुड्डू के खिलाफ साजिश करने वाले हैं, और मेरे हिसाब से लाला भी इनके साथ हो जाएगा। अब लाला के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो उनका कुछ पता नहीं रहता, वो बिजनेसमैन है, उनको जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहाँ चले जाते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया था
कि शरद भैया थे, उन्होंने कालीन भैया को लास्ट में क्यों बचाया, वो तो दुश्मन थे ना। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि शरद भैया थे, वो अकेले अकेले अपने दम पर गुड्डू भैया को नहीं हरा सकते, इसलिए उनके दिमाग में आया कि कालीन भैया को बचा लें, फिर दोनों मिलके पहले गुड्डू भैया को मारेंगे, फिर शरद शुक्ला अपने हाथों से कालीन भैया को मार देंगे। क्योंकि दोस्तों शरद वर्सेस अगर गुड्डू हो जाता तो गुड्डू तो पटक पटक के मारते, आपने देखा ही था एक सीन में कि कितनी मार खाई थी शरद ने, वो तो कहो उनने वो लगड़ा गिरा दिया था, बाकी बार में ही दोनों ख़त्म हो जाते मुन्ना और शरद। तो दोस्तों मुन्ना के मरने से बहुत सारी ऑडियंस दुखी है और मैं भी हूँ, क्योंकि उनके ही डायलॉग्स थे जो पब्लिक को याद रहते हैं, उनके एक एक डायलॉग बहुत अच्छे थे और मुन्ना भैया को लेकिन मार दिया गया। तो दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसको अब सब लोग भूल गए हैं, जिसका नाम है मकबूल, जो सीजन 2 में दादाजी के पास पहुंचा था बाबूजी के पास मारने के लिए, जिसको बीना त्रिपाठी ने मारा था। उसके बाद से उस कैरेक्टर को सीजन 2 में दिखाया नहीं गया, क्योंकि उसका जो पूरा पर्दा है सीजन 3 में खोला जाएगा। अब दोस्तों मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली वो गुड्डू भैया के साथ हो जाएगा, क्योंकि गुड्डू भैया आपको दिख रहे होंगे कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ गद्दी है, बाकी सारे कैरेक्टर्स तो खिलाफ होते जा रहे हैं उनके, कालीन भैया सीएम सब खिलाफ हो गए इनके। तो मकबूल को मेरे हिसाब से गुड्डू भैया के साथ कर दिया जाएगा, और मकबूल के पास तो बॉडी है, उठा उठा के पटकेंगे एक एक को, क्योंकि बाबू जी को तो ऐसे ही घुस के मार दिया था, मारा नहीं था मतलब, लेकिन मार देने वाले थे वो, तो बीना ने कहा कि मैं मार दूंगी। तो दोस्तों मकबूल को हम सब बोल रहे हैं, और मकबूल की वफादारी अब टूट गई है कालीन भैया से, क्योंकि उनकी मम्मी को मार दिया गया और वो बहुत गलत हुआ था, बाबू जी को भी पता था और कालीन भैया को भी पता था कि इसकी मम्मी को मार दिया, अब बहुत बुरा होने वाला है। तो मकबूल अपना जो वफादारी है अब वो गुड्डू भैया के प्रति कर देंगे और कालीन भैया के खिलाफ हो जाएंगे। तो अब दोस्तों ये सीजन 3 में तो मज़ा आने वाला ही है। अब दोस्तों बीना त्रिपाठी की बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था सीजन 2 के प्रिडिक्शन के लिए, अनुमान के लिए। उसमें से मेरे बहुत सारे अनुमान सच हुए थे कि वो कितनी पावरफुल कैरेक्टर है, और पूरे सीजन 2 को उसने बदल के रख दिया। अब दोस्तों सीजन 3 में भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शुरुआत में ही उसको मार दिया जाएगा। नहीं मार पाते हैं अगर उसको शुरुआत में, तो पूरे सीजन में वापस से अलग ही कमाल करने वाली, और मेरे हिसाब से इस बार वो कालीन भैया के साथ हो जाएगी, क्योंकि गद्दी जो चली गई है गुड्डू के हाथ, और जिसके हाथ में गद्दी आती है उसके हाथ में लालच आती है। गुड्डू भैया ने वादा तो किया था कि जो बीना त्रिपाठी का बच्चा है, जो भी पैदा ही हुआ था, उसको गद्दी दे देंगे जब वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इतना इंतजार कौन करेगा। और मुझे लगता है कि जो सीजन का आखिरी एपिसोड होगा उसमें 10-15 साल आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी, सिर्फ आखिरी के एपिसोड में 10-15 साल बाद क्या हुआ ऐसा दिखा सकते हैं, तब शायद बीना त्रिपाठी के बच्चे को गद्दी दे दी जाए, ऐसा हो सकता है बीना त्रिपाठी के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विजय वर्मा की। अब दोस्तों इसमें आपको पता है लास्ट में जो फायरिंग होती है उसमें से एक विजय वर्मा मर जाता है, एक छोटा वाला होता है एक बड़ा वाला होता है, तो दोस्तों इसमें से जो बड़ा वाला होता है वो मर जाता है, क्योंकि हमें एक फाइनल के एंड क्रेडिट सीन होते हैं उसमें दिखाया गया था कि जो विजय वर्मा होता है वो अंगूठी निकाल के घुमाने की कोशिश करता है, और ये आदत होती है बड़े विजय वर्मा की, और आप देखते हैं कि जो अंगूठी होती है वो गिर जाती है, तो इससे ये साबित होता है कि जो छोटा विजय वर्मा है वो बड़े विजय वर्मा की नकल कर रहा है और कोशिश कर रहा है उसके जैसा बनने की, उसके जैसे दिखने की, उसके जैसे बोलने की। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि छोटा विजय वर्मा जिंदा है, जिसकी वजह से अब गोलू पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो दद्दा त्यागी थे उसने बड़े विजय वर्मा को बोला था कि आप गोलू को मार दो, तो छोटे विजय वर्मा नहीं मारेंगे क्योंकि उनका वो लव है, लेकिन गोलू की तरफ से तो ना है। तो दोस्तों हमें देखना होगा कि सीजन 3 में विजय वर्मा क्या करते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो इसको 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 5-6 सेकंड लगते हैं। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।